मंगलवार को मीडिया से रूबरू होते हुए गुरु गोरखनाथ आरती समिति के अध्यक्ष व पार्षद संजय श्रीवास्तव ने बताया कि 5 नवंबर को सायंकाल 4 बजे राप्ती तट स्थित गुरु गोरखनाथ घाट पर दीपोत्सव के कार्यक्रम में 21,000 दीपों तथा रंगोली से सजाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में सदर सांसद रवि किशन, महापौर सीताराम जायसवाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह तथा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित तमाम व्यापारी संगठन के लोग मौजूद रहेंगे। उन्होंने जनता से अपील किया कि वे दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर लाभ उठाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने कहा, संजय श्रीवास्तव, गुरु गोरखनाथ आरती समिति के अध्यक्ष और पार्षद हांसूपुर। आज हम लोग प्रेस वार्ता इसलिए कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में बहुत ही सुंदर और स्वच्छ गुरु गोरखनाथ घाट और राम घाट गोरखपुरवासियों के लिए बनवा के दिया है। उसी गोरखनाथ घाट पे हम लोग गुरु गोरखनाथ आरती समिति के तत्वाधान में प्रत्येक मंगलवार को आरती हम लोग करते हैं, जिसमें हजारों लोग की संख्या में लोग आरती करने के लिए आते हैं। उसी घाट पे हमारी समिति ने निर्णय लिया है कि हम लोग अब प्रत्येक वर्ष दीपावली के उपलक्ष्य में भव्य दीपोत्सव का आयोजन करेंगे। ये दीपोत्सव का आयोजन दिनांक 5 नवंबर दिन शुक्रवार सायंकाल 4 बजे से होगा। इस कार्यक्रम में हम लोग पूरे घाट को दीपों से, 21,000 दीपों से और रंगोली से घाट को सजाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय गायक भजन गायक राकेश श्रीवास्तव का भजन संध्या का कार्यक्रम भी होगा। इस कार्यक्रम में गोरखपुर के हम लोग के सांसद रवि किशन जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, हम लोग के ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी और तमाम व्यापारी संगठन से लोग रहेंगे। सबकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। आपके माध्यम से हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि सभी लोग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ गुरु गोरखनाथ घाट पे आवें और अपने अपने घर से 5 दिया 11 दिया लेके आवें और वहाँ जलावें और गंगा मैया के साथ दीपावली मनाएँ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है।